चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव व हृदयंत चौधरी समेत अमित कात्यायन का नाम शामिल है। दो फर्मों को भी आरोपी बनाया गया है। राज रेवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा। ईडी के इस मामले पर पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो क्या है मामला? लैंडफोर्ड जॉब मामले में शिकंजा कसा गया है। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही। ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और ये बता दें ईडी की पहली चार्जशीट, और इससे पहले सीबीआई ने 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। तो चार्जशीट में राबड़ी और मीसा का नाम शामिल है। राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम इसमें शामिल है। लैंडफोर्ड जॉब का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर एक बार फिर से चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मीसा भारती और राबड़ी देवी का नाम भी इसमें शामिल है। अजीत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, एक और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन ये चार्जशीट ईडी ने की है? बिल्कुल, रेलवे के बदले माफी चाहूंगा, रेलवे में जॉब के बदले जो घोटाले का जो मामला चल रहा है, उसमें अब लालू यादव के जो परिवार है उनके लिए जो मुश्किलें हैं लगातार अब ये कहा जा सकता है कि बढ़ने वाली है, क्योंकि आज दिल्ली के राव जीवनी कोर्ट में ईडी ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट जो है वो दायर की है। और इस चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू यादव की बेटी जो सांसद भी है मीसा भारती, इसके अलावा उनके जो करीबी हैं उनको नामजद किया गया, और 2 कंपनियों का भी इसमें नाम शामिल है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस मामले में लगातार जो कार्रवाई चल रही है, अब ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। हालांकि इसको लेकर के जो सुनवाई है आगामी 16 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से अब ईडी ने इस मामले में नामजद कर दिया है, तो कहा जा सकता है कि लालू यादव के परिवार का जो मामला पूरा चल रहा है उनकी जो मुश्किलें हैं फिलहाल थमने वाली नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो तेजस्वी यादव है उनको लगातार नोटिस भेजा गया कई बार ईडी की तरफ से, लेकिन वो ईडी दफ्तर पेश नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो परिवार की जो मुश्किल है वो आगे बढ़ेगी। जी अजीत, ईडी की तरफ से पहली चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन सीबीआई इससे पहले भी 3 चार्जशीट दाखिल कर चुका है। उसमें लालू यादव का, तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल था। इस वाले लिस्ट में लालू यादव का नाम नहीं है, किन किन का नाम शामिल है मीसा भारती के अलावा? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें जैसा मैंने बताया कि राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, और मीसा भारती जो सांसद, इसके अलावा त्यागी है जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, उस कंपनी के नाम भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ये ईडी की तरफ से पहली चार्जशीट है। हालांकि इससे पहले सीबीआई ने जरूर चार्जशीट दायर की है, लेकिन ईडी की तरफ से जो दायर की गई है पहली चार्जशीट है। और पूरा का पूरा मामला उस समय का है जब लालू यादव जो है यूपीए सरकार में रेलवे के मंत्री थे, रेलवे मंत्री का मतलब उनके पास था, उस समय नोटों के बदले जो जमीन घोटाले का जो मामला था, ये पूरा का पूरा उसी मामले से जुड़ा हुआ है। और उस मामले में कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं वो आगे और बढ़ने वाली है लालू यादव परिवार की। जी पहले सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला था, अब ईडी के हाथ में चली गई है, तो अब लगता है कि गहनता से और जांच हो सकती है आने वाले दिनों में। देखिए बिल्कुल सुनिए, जिस तरीके से क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें आया है, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला और सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ही संभालता है, और इसीलिए ईडी भी इस मामले में आई हुई है, और ईडी अलग अपने तरीके से अपने लेवल पर ही जांच कर रही है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि तेजस्वी यादव को इससे पहले ईडी ने समन भी भेजा है, हालांकि समन का जवाब तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था, तो देखना होगा कि उनके लिए क्या ईडी आगे और कोई नोटिस भेजे, या फिर चार्जशीट में तरीके से आगे और नाम जोड़े जाते हैं, वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा मामला सामने जो आया है वो यही आया है। देखना होगा कि पेशी के लिए बुलाया गया है, पेश होते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। आईएसआईएस के एएमयू मॉड्यूलेट से जुड़े एक और आरोपित छात्र अमस अहमद उर्फ फराज को यूपी एटीएस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। उसके एक साथी अब्दुल समद मलिक ने 4 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल ने बताया कि अमस अहमद उर्फ फराज अहमद मूल रूप से प्रयागराज के करेली स्थित जीटीबी नगर का है, और वो अलीगढ़ में मैरिट हॉस्टल स्थित वीएम यानी कि विकार उल मुल्क हॉल में रहता था। फराज ने वर्ष 2022 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान से स्नातक किया था, और 2023 में एमबीए के लिए प्रवेश परीक्षा में संलिप्त हुआ था।
साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही वो फरार चल रहा था। और बता दें कि आईएसआईएस के एमयू मॉडल से जुड़ा एक और छात्र अब अरेस्ट हो चुका है। तो बड़े साजिश को अंजाम ये देने वाले थे जिनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यूपी में आतंकी वारदात की थी साजिश और ऐसे में आपको बता दें कि आईएसआईएस के एमयू मॉड्यूल का ये पूरा मामला है और ऐसे में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले एक इन्हीं के साथी ने सरेंडर कर दिया था और अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की जा रही थी तैयारी, एटीएस ने आरोपी फराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल समद मलिक ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, कब हुई इनकी गिरफ्तारी और कैसे पता चला? एसआई के मॉडल बाजार करने वाले गिरोह का लगातार जो है यूपी एटीएस पर्दाफाश कर रही थी। लगातार कहा जा सकता था लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी थी और फराज जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी एटीएस लगातार जो है निगरानी कर रही थी। लेकिन साफ तरीके से आया था जिस तरीके से उसके साथियों की गिरफ्तारी हो रही थी, गिरफ्तारी के बाद तो जो फराज है वो अपने आप से लोगों से छिपाकर लोगों से मिलता था और जो आतंकी संगठन है आईएसआई उसके साथ मिल करके काम कर रहा था। साफ तरीके से एक बड़ी जो रैकी है वो की जा रही थी उनकी तरफ से। कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा था जिसके जरिए इनका गिरोह जो है बना करके लोगों को उस आईएसआई जो संगठन है उसमें जोड़ने का काम किया जा रहा था, लोगों को जोड़ा जा रहा था। उसके बाद लोगों को साफ तरीके से के माध्यम से कुछ ऐसा करना था, उनका मंसूबा जो था कुछ ऐसा करना था जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन उसके पहले ही यूपी एटीएस ने मुकदमे को दर्ज किया था। मुकदमे के दर्ज होने के बाद यूपी एटीएस ने जो दबिश है वो देना शुरू की। लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार कहा जा सकता है कि जो फराज है वो यूपी एटीएस की गिरफ्त से दूर दिखाई पड़ रहा था और लोगों से जो मिलता था वो लोगों से छिपा के मिलता था कि उसका सुराग ना मिल सके। लेकिन यूपीएटीएस ने कल देर रात जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साफ पाया गया जिस तरीके से जो गतिविधियां थी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे पूरी तरीके से एक दहशत का माहौल बनाने की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश होना शुरू हो गया था। जिस हिसाब से कहा जाए कि पहले जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, वहां से पढ़ाई करने के बाद वहीं पर अपना संगठन चलाना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, आईएसआई के माध्यम से की टीम से लोगों को लीड करना शुरू किया, लोगों को जुटाना शुरू किया। उसके बाद कुछ दहशत बनाने की जो प्लानिंग थी उसको भी जो रूपरेखा थी वो बननी शुरू थी कि खबर जब यूपीएटीएस को मिली थी यूपीएटीएस ने लगभग गिरफ्तार 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो चल रही हैं। कल देर शाम जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब पूछताछ की जा रही है, अब देखा ये होगा कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे वो कितने लोगों के साथ सामने आता है। शुभम बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून के विकास नगर के झांझरा में सुबह गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। बता दें कि स्थानीय निवासियों की सूचना देने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीम को बुलाया। रेस्क्यू टीमों के क्लोरीन सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का प्रयास कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों को गैस से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनके घरों से सुरक्षित स्थान पर उनको भेजा गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रात करीब 3 बजे की घटना है जब सिलेंडर लीक हुए, जिसके बाद टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सिलेंडर लंबे समय से एक प्लॉट में पड़े हुए थे जिसकी जाँच पुलिस विभाग कर रही है। तो झांझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और इससे हड़कंप मच गई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने पूरा एरिया खाली करवाया था जैसे ही इसकी सूचना मिली और 2 लोग अस्पताल में भर्ती है। पड़ता है यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए प्लॉट में,
और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जांच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को। देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी, उसके रिस्पॉन्स में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, SDRF भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं, और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी उससे जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो सारी सूचना निकल के सामने आ रही है कि दो लोग भर्ती हुए अस्पताल में। अगर बिल्कुल बात की जाए तो अगर बड़ी घटना होने से बचती है, स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार रात से ही जो स्मेल है वो आ रही थी गैस की, जिसके बाद अगर सुबह की बात की जाए तड़के में जो स्थानीय लोग हैं गैस इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें सांस लेने में और साथ साथ बदबू इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ा, और जब देखा कि बगल वाले प्लॉट में जो गैस है उसकी आवाज आ रही है लीक होने की और साथ साथ जो अत्यधिक बदबू भी वहां पर देखने को मिली। लेकिन अगर बात की जाए तो कई लोगों की इसमें आंखें लाल हो गई थी क्योंकि गैस बहुत जहरीली होती है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आई और जो अत्यधिक गंभीर लग रहे थे उन्हें अस्पताल भी भेजा गया, दो लोगों को अस्पताल भेजा गया था जिसके बाद में सूचना आ रही है कि उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके कहा जा सकता है कि बहुत ही जो खतरनाक हो सकता था उसे उसे बचाया गया स्थानीय लोगों की सूचना पर। अगर SDRF NDRF और साथ साथ कहा जा सकता है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं अगर समय पर ना पहुंचती तो कहीं ना कहीं जो बड़ा हादसा है वो देखने को मिलता। करीब 150 परिवारों को वहां से शिफ्ट किया गया था सुरक्षित स्थानों पर, साथ साथ जो प्लॉट कंपनी बताया जा रहा है, राजीव गुप्ता बताया जा रहा है, आगरा निवासी है, वो ठेकेदार है और उसने करीब 4 साल पहले यहाँ पर जो वाटर एक प्लांट बनाया था जिसमें क्लोरीन की जो सिलेंडर थे वो मंगाए गए थे, साथ साथ 1 साल बाद ये जो प्लॉट था ये जो प्लांट बनाया गया था वो बंद हो गया था जिसके बाद ये सिलेंडर यही छोड़ दिए गए थे। बताइए कि मालिक आने वाला था आगरा से देहरादून, पहुंच चुका है क्या? राजीव गुप्ता जी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके खिलाफ जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है। साथ साथ बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान ले लिया है और जो उद्योग विभाग है उसे निर्देश दिए हैं कि जितने भी ऐसी जगह है प्लांट है उन पर निगरानी रखी जाए, अगर उसके पास स्थानीय लोग हैं तो उसकी जांच भी की जाए। ऐसे सिलेंडर की अगर जहां पर अत्यधिक मात्रा में जो जहरीली गैस है वहां पर जांच की जाए अधिकारियों द्वारा और इसके नियंत्रण के लिए भी लगातार निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पहले भी और पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद का नाम बदलने की बीजेपी पार्षद ने वार्ड मीटिंग में मांग उठाई है। बता दें कि निगम की बैठक में बीजेपी के एक पार्षद ने सोमवार को जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में रखा था। इस दौरान कई लोगों की तरफ से सहमति नजर आई, तभी शहर की मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि नाम बदलने का प्रस्ताव बीते कुछ समय से सामने आ रहा था, साथ ही कहा कि लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कार्यकारी स्तर पर इसको लेकर चर्चा होगी। तो गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग उठी है। गाजियाबाद का नाम बदला जाए कि आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि बदल दिया जाए, इसको निगम की बोर्ड मीटिंग में ये मांग उठाई गई है। बीजेपी पार्षद ने बोर्ड मीटिंग में ये मांग रखी गई है कि गाजियाबाद का नाम बदल दिया जाए। तो एक बार फिर से क्या गाजियाबाद का नाम बदलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गजरनगर से नंदी नगर हुआ है और ऐसे में नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ये मांग एक बार फिर से उठती हुई नजर आ रही है। नदीम, संपर्क टूट गया है, नदीम से दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन बता दें बीजेपी पार्षद ने बोर्ड मीटिंग रखी थी, इसमें ये मांग उठाया गया था कि गाजियाबाद का नाम बदल दिया जाए। तो दो नाम सुझाए गए हैं, गजनगर और हरनंदी नगर, और इन दोनों से एक नाम कहा गया है कि रख दिया जाए गाजियाबाद का नाम बदल के। तो निगम की बोर्ड मीटिंग में ये मांग उठाई गई है कि गाजियाबाद का नाम बदल दिया जाए। बीजेपी पार्षद ने बोर्ड मीटिंग में मांग रखी है, एक बार फिर से ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी नाम बदलने के बारे में कहा गया था और देखिए अब बीजेपी के पार्षद ने ये मांग उठाई है। नदीम जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के लिए। नदीम, एक बार फिर से ये मांग उठती हुई नजर आ रही है नाम बदलने की। देखिए
देखिए मैं बता दूं आपको, इससे पहले भी गाजियाबाद में एक बार पहले भी नाम बदलने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई थी। गाजियाबाद के जो हिंदू रक्षा दल है उनकी तरफ से, उनकी जो महिला विंग है उसने इसकी शुरुआत की थी। उसकी शुरुआत करने के बाद गाजियाबाद में कई जगह जो नाम लिखे हुए थे उन पर गाजियाबाद के नाम मिटाकर गाजियाबाद के नाम बदलने की जो कवायद थे वहां से शुरू की गई थी, जिसके बाद अब गाजियाबाद में बड़े कह सकते हैं कि जो नगर निगम की मेयर है उनको भी कहीं ना कहीं गाजियाबाद का जो नाम है वो बदलने की कवायद उन्होंने शुरू की है, जिससे कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है गाजियाबाद में इसकी उस तरीके से देखा जा रहा है कि गाजियाबाद का नाम अमूमन बदला जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो नाम शहरों के बदले जाते हैं उससे कहीं ऐसा प्रतीत होता है जिसे गाजियाबाद का भी नाम बदलना चाहिए। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में गाजियाबाद का नाम बदल सकते हैं, क्योंकि दो नाम प्रस्ताव में रखे गए हैं? देखिए आगे जो आने वाला समय है वो जो देखो कह सकते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव पास भी हो सकता है, लेकिन गाजियाबाद में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सही तरीके से कार्य गाजियाबाद में लोगों का चलता है, उससे कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद में नाम बदलने की कवायद थी उससे कहीं ना कहीं जो जो हिंदू रक्षा दल के लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां दबंगों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि दबंगों ने इमरजेंसी वोट में जमकर बवाल किया, साथ ही इमरजेंसी वोट का कांच तोड़ा। वहीं वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मारपीट की घटना है। प्राचार्य ने दोषी डॉक्टरों को निलंबित किया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है और ऐसे में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें अंदर की है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राकेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है ये पूरा मामला? जी आपको बता दूं कि मामला सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज का है, जहां आउटसोर्सिंग के कर्मचारी और डॉक्टर और जो है एक मरीज आया था जो दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बगैर देखे ही मरीज के पेशेंट जो मरीज था उससे कहा दिए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी वहां काम करते हैं कि उनका इलाज के लिए इंजेक्शन लगाइए, लेकिन जब इंजेक्शन नहीं लगाता है वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी इसको लेके बहस होती है। बहस के दौरान आउटसोर्सिंग और जो मरीज लेके आता है सीमादार उसके साथ बहस के दौरान मारपीट होती है। वहीं जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने फोन करके मेडिकल कॉलेज से और भी लड़कों के आउटसोर्सिंग जो वहां पढ़ रहे हैं उनको भी बुला लिया और उस बीच मारपीट हुई, जो कि लाख घूसे भी चले गए हैं, शीशे भी टूट गए हैं इमरजेंसी वार्ड के। लेकिन अब इन सब मामले को जब जानकारी पुलिस को होती है मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट जाती है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि जो है मामले को संज्ञान में लिया गया और दो डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई एक्शन हुआ है क्या? फिलहाल अभी तक कितने लोग घायल हुए हैं इस मारपीट में? बिल्कुल, उसमें प्रचार का कहना है कि 5 इधर से और 5 इधर से जो कि घायल हुए हैं उनका जो है मामूली चोटें आई हैं, हल्का फुल्का चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब उन सब मामलों को लेकर प्रचार ने दो डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। कैसे पहले कोई मामला इसी तरीके का इस हॉस्पिटल से निकल के सामने आया था राकेश? मामला संज्ञान में जब आया कि वहाँ एक मरीज पहुंचता है इलाज कराने, इलाज के दौरान ये बात होती है। ठीक है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो पूरा मामला सिद्धार्थनगर का है, जहां पे ये मारपीट हुई है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।